वेलकम बैक टू कविता इज हियर। ऑनलाइन कंपटीशन सीरीज की लेटेस्ट अपडेटेड वीडियो में आप सादर आमंत्रित हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हुलाहुल फाउंडेशन के हुलाहुल महोत्सव 2021 के सीजन 4 का लॉन्च हो चुका है और इसके अंतर्गत इन्होंने दो ऑनलाइन कॉम्पिटिशन्स का आयोजन किया है, जिसमें से पहले है कलाकृति नेशनल लेवल ऑनलाइन ड्राइंग कॉम्पिटिशन और दूसरा है द शेड्स ऑफ लिटरेचर साहित्य के रंग नेशनल लेवल ऑनलाइन पोइट्री एंड एसे कॉम्पिटिशन फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इनकी डिटेल्स ही आज हम जानेंगे। सबसे पहले हुलाहुल फाउंडेशन के कलाकृति नेशनल लेवल ऑनलाइन ड्राइंग कंपटीशन की डिटेल्स, जिसमें रजिस्ट्रेशंस हैं फ्रॉम 5 to 12 दिसंबर। टॉपिक्स की बात करें तो यहाँ पर आप ड्रीम सिटी, कल्चर ऑफ इंडिया, माय सुपर हीरो, एनवायरमेंट या पोस्ट पेंडेमिक को अपना टॉपिक बना सकते हैं। गाइडलाइंस में रजिस्टर करें ऑनलाइन ऑन वेबसाइट बिफोर सबमिटिंग एंट्रीज। रजिस्ट्रेशन लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जितने भी आपको टॉपिक्स बताए हैं उनमें से सिर्फ एक ही ड्राइंग आपको बना के सेंड करनी है, और इनमें से अगर आप कोई अलग टॉपिक पे सेंड करेंगे तो वो सबमिशन एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ड्राइंग मस्ट बी हैंड ड्रॉन, एनी कलर एनी स्टाइल, पेपर साइज A3 A4, वाइट ड्राइंग पेपर, आर्टवर्क्स फ्रेश ओरिजिनल और रेप्लिका या किसी आर्टवर्क की कॉपी नहीं होने चाहिए। डेट हैज़ बीन सबमिटेड बिफोर और आफ्टर बाय पार्टिसिपेंट्स फॉर एनी अदर कॉम्पिटिशन। आर्टवर्क के लेफ्ट कॉर्नर पे पार्टिसिपेंट्स को अपना नेम मेंशन करना है और सीजन 4 आर्टवर्क सबमिटेड टू हुलाहुल फाउंडेशन ये लाइन भी। जजिंग एंड ग्रेडिंग ऑफ आर्टवर्क will be done on basis of umar, subject, idea, drawing and painting style, message and overall presentation. participant ki responsibility hai ki wo breach na kare any local or international copyright law. participants ko submission karna hai on the email submissions.hulahulfoundation@gmail.com on or before 15 december 6 pm. पार्टिसिपेंट्स को ओरिजिनल आर्टवर्क्स प्रिजर्व करने हैं टू कंफर्म ऑथेंटिसिटी इफ रिक्वायर्ड। रूल्स एंड रेगुलेशंस, आप फॉलो करें द क्राइटेरिया एंड गाइडलाइंस। एंट्री शुड बी स्ट्रिक्टली सबमिटेड बाय मेल बाय राइटिंग पार्टिसिपेंट नेम इन सब्जेक्ट लाइन। टॉप 10 फ्रॉम ईच ग्रुप विल बी सेलेक्टेड और उनकी फोटोज़ को आर्टवर्क्स के साथ इंस्टाग्राम पे अपलोड किया जाएगा। जजेस मार्क्स विल नॉट बी डिस्क्लोज्ड, डिसीजन बाय जजेस एंड ऑर्गेनाइजर्स विल बी फाइनल एंड बाइंडिंग। सभी पार्टिसिपेंट्स को ई पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट मिलेगा। नो सबमिशन विल बी एंटरटेन्ड इफ पार्टिसिपेंट्स फेल्स टू सबमिट देयर आर्टवर्क्स बिफोर 15 दिसंबर and will be disqualified. Age groups हैं up to 12, 12 to 18 और above 18. Schedule की बात करें तो registration है 5 December to 12 December, submission है 7 December to 15 December और result on 20 December. Awards की बात करें तो पहला prize है e-merit certificate और e-gold medal, second prize में e-silver medal, third prize में e-bronze medal और 7 consolation में e-merit certificate. नो एंट्री फीस। कोई भी क्वेरीज हो तो स्क्रीन पे विजुअल ऑप्शंस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब जानते हैं एसे और पोएट्री कंपटीशन की डिटेल्स, जिसका टाइटल है साहित्य के रंग द शेड्स ऑफ लिटरेचर। रजिस्ट्रेशन फॉर्म 5 to 12 दिसंबर। एसे में कैटेगरी ग्रुप 1 के टॉपिक्स यानी अप टू 12 के टॉपिक्स हैं माय फैमिली,
मेरा परिवार, टीचर अ गाइडिंग लैंप, शिक्षक एक मार्गदर्शक दीपक और माय फेवरेट फेस्टिवल पसंदीदा त्यौहार। कोई भी फीस नहीं ली जाएगी, पार्टिसिपेंट्स खुद को रजिस्टर करें बाय वेबसाइट लिंक इन डिस्क्रिप्शन। पार्टिसिपेंट्स को ऐसे लिखना है ऑन एनी वन टॉपिक एंड इन एनी वन ऑफ द मेंशनड लैंग्वेज ओनली। मल्टीपल एंट्रीज फ्रॉम वन पार्टिसिपेंट वोंट बी एक्सेप्टेड। ऐसे मिनिमम 750 और मैक्सिमम 1000 वर्ड्स का होना चाहिए। ऐसे यूनिक और इंटरनेट से कॉपीड नहीं होना चाहिए। इट शुड बी प्लेगरिज्म फ्री। वी इनकरेज ओन क्रिएटिविटी एंड इनोवेटिव थिंकिंग। देयरफॉर योर वर्क शुड बी योर ओन वर्क। नो सर्टिफिकेट विल बी इशूड टू दोज हु विल कॉपी फ्रॉम ऑनलाइन सोर्सेज एंड और एनी बुक। आपको नेम, एज, सिटी, फोन नंबर, ईमेल अपनी एंट्री में लिखना है इन द वेरी बिगनिंग बिफोर यू स्टार्ट राइटिंग एसे। जजेस का डिसीजन अंतिम रहेगा और कोई भी क्वेरीज एंटरटेन नहीं होंगी रिलेटेड टू रिजल्ट। डेडलाइन है 15 दिसंबर 6 बजे शाम को। एसे का ये फॉर्मेट है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ऑल्टरनेटिवली पार्टिसिपेंट्स कैन सबमिट हैंड रिटन एसे इन पीडीएफ फॉर्म। एग्जांपल स्क्रीन पे विजिबल है। एसे को सबमिट करें ऑन मेल बाय साहित्य के रंग @gmail.com। पार्टिसिपेंट्स से DOB प्रूफ मांगा जा सकता है। सेलेक्टेड एसेस को यहाँ पब्लिश किया जाएगा। यू कैन रीड कैटेगरी ग्रुप 2 यानी फ्रॉम 12 इयर्स टू 18 इयर्स के टॉपिक्स हैं टेक्नोलॉजी बून और अबेन, ऑनलाइन एजुकेशन वर्सेस ऑफलाइन एजुकेशन और ऑटोबायोग्राफी ऑन एन एनिमल। इंस्ट्रक्शंस यहाँ पर ऑलमोस्ट सेम है, बस अगर कुछ अलग न्यू इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो ऐसे मिनिमम 1000 और मैक्सिमम 1500 वर्ड्स का होना चाहिए। सबमिशन मेल आईडी भी सेम है और बाकी सब कुछ सेम है। कैटेगरी 3 यानी कि अबव 18 के टॉपिक्स हैं फ्रेंचाइजी, स्पोर्ट्स, अ जॉइंट बिजनेस और अ टैलेंट हंट, मेक इन इंडिया अ सक्सेसफुल प्रोजेक्ट, न्यू एजुकेशन पॉलिसी। इंस्ट्रक्शंस इसमें भी ऑलमोस्ट सेम है। कुछ न्यू इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो मिनिमम 1500 और मैक्सिमम 2500 वर्ड्स का एसे आपको सबमिट करना है और बाकी सब कुछ सेम है। अब पोइट्री राइटिंग की बात करें तो सभी कैटेगरीज अप टू 12 फ्रॉम 12 टू 18 और 18 एंड अबव का टॉपिक्स सेम है। वुमेन एम्पावरमेंट, कल्चर और एनवायरनमेंट। पोयम लेंथ ऐसे होने चाहिए ग्रुप 1 में मैक्सिमम 20 लाइंस एंड अप्रोक्सीमेटली 3-4 स्टैंजाज। ग्रुप 2 में मैक्सिमम 25 लाइंस और अप्रोक्सीमेटली 4-5 स्टैंजाज और ग्रुप 3 में मैक्सिमम 30 लाइंस और अप्रोक्सीमेटली 5-6 स्टैंजाज। इंस्ट्रक्शंस ऐसे की तरह ही काफ़ी कुछ सिमिलर हैं। अगर कुछ नए इंस्ट्रक्शंस की बात करें तो वो होगा प्लेगरिज्म ऑफ एनी सॉर्ट वुड लीड टू स्ट्रेट डिस्क्वालिफिकेशन। डिसेंट लैंग्वेज शुड बी यूज्ड व्हाइल राइटिंग पोयम। पोयम्स को जज किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ कंटेंट, ओरिजिनलिटी, इट्स कॉन्फर्मेंस टू द टॉपिक स्पेसिफाइड, क्रिएटिविटी एंड ओवरऑल इम्पैक्ट। यूजिंग हिंग्लिश राइटिंग हिंदी और मराठी इन English font and letter together is strictly not allowed. Certificate copy करने वालों को नहीं दिया जाएगा और बाकी ऐसे की तरह यहाँ पे कई guidelines same हैं। Awards and recognitions इसके drawing की तरह ही same हैं। सभी participants जो rules follow करते हैं उन्हें e-participation certificate मिलेगा। कोई भी queries हो तो contact करें on any two of these numbers। ओ
उम्मीद है कि आप सभी को ये नई जानकारी अत्यंत ही पसंद आई होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करें। तो मिलते हैं फिर बहुत जल्द एक न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन अपना बहुत ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे कनेक्टेड फॉर एवर।